डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द भौमकर डायनास्टी ऑफ द 8th century ओडिशा हिस्ट्री। ओडिशा हिस्ट्री रो बहुत इम्पोर्टेंट रेन जो आम कहवा से भौमकर डायनास्टी। कहीं डायनास्टी ये इम्पोर्टेंट यही बहुत सारा ओमेन रूलर अच्छा जो मैंने रूल कर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रही आउ 8th century इनिशियली जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 8th century इमर्जेंस होता तो दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ तोसाली। तोसाली बर्तमान आम जाने कि भुवनेश्वर स्थित रही जो एक्सटेंड जियोग्राफिकल जो लोकेशन रही एक्सटेंड रही तो आपको नोट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशन ओपीएससी हो कि आपंकर ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो कि आप एसएसबी पढ़ुं तो दिस इज ऑल आर इम्पोर्टेंट। आपण देखा पड़ो नोट पड़ो या बहुत सारा एग्जाम क्वेश्चन आसूची तो दे रूल्ड इन द रीजन ऑफ तोसाली। नॉर्थ जो अच्छे आम दंड भुक्ति मंडल नॉर्थ साइड तर आज साउथ रे अच्छे कंगोद मंडल ईस्ट मिडिल जो रही मिदनापुर अंचल वेस्ट बेंगल आप जानपरिवे तेनाली जियोग्राफिकल लोकेशन आपको एमती कौटी मिलवनी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत सारा सोर्स रू आई तापर लिखाला कि व्हाई भौमकर इम्पोर्टेंट। आम कहीं भौमकर डायनेस्टी को इम्पोर्टेंट बोली कहूचे कारण 6 नंबर्स ऑफ फीमेल रूलर इन दिस डायनेस्टी। जो 6 नंबर ऑफ फीमेल रूलर अच्छा से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रही कहार रिलीजियस कंट्रीब्यूशन रही तो कहार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन रही आगे जाए आप देखिए सीटा सब इम्पोर्टेंट रही। रूल इन कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा। कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा मैंने रूल करुले कैपिटल जो थी गुहदेव पटक और गुहेश्वर फटक जो थी आमर आम ये बर्तमान कौटी अच्छी ये बर्तमान आप देखा पाइबे कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट आप बीरजा पाखापाखी देखिए जो सोर्सेस अच्छे आम जानचे कि हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस जदि ना तो हिस्ट्री आम कमी जाना विदाउट एविडेंस विदाउट सोर्सेस आम जापर ना। लिटरेरी सोर्सेस ऑफ भौमकर जो रही लेखार आम जानूचे विष्णु पुराण ब्रह्मांड पुराण हरिवंश पुराण आउ गोटे रहा आम कौन दाथवंश हुडुड अलाम जो रही विष्णु पुराण जो अच्छी मेनसन्स भौम गुह रूलर रूल्ड ओवर कलिंग भौम गुह जो थे सी कौन करते कलिंग ओवर रूल करुले। आम समस्ते जाचे कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफिक। तो एपिग्राफी जो अच्छी तार सोर्सेस जो अच्छी जानते आप जो तालपटा हो कि लुहा हो कि पथर जो थे लेखाई रही जाइए प्लेट गुरा जो हो तो सी सब मोस्ट इम्पोर्टाट कारण देखते बहुत सारा नेवलपुर इंस्क्रिप्शन हो गणेश गुंफा इंस्क्रिप्शन हो धौली केव इंस्क्रिप्शन तेरुंडिया इंस्क्रिप्शन धाराकोट इंस्क्रिप्शन ढेंकानाल इंस्क्रिप्शन तालचेर इंस्क्रिप्शन आंबागान इंस्क्रिप्शन ये सब इंस्क्रिप्शन कौन करुच्ची आमको कौन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ भौमकर आउ बहुत सारा रिलीजियस भी कौन तेरुंडिया धौली केव गणेश गुंफा इंस्क्रिप्शन आपण रिलीजियस जनइब रिलीजियस सोर्सेस ऑफ भौमकर जापर आप। नेक्स्ट आम देखा कि ओरिजिन ऑफ द भौमकर कौटू ओरिजिन एक्चुअली एमकर जो मूल रही आसाम आसी इन्हें रूल कले फास्ट अच्छे कौटी कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा आपण मूँ आगुरी कही मुझे गुहेश्वर पटक और गुहे देवेश्वर पटक जो अच्छी सीटा कौटी जाजपुर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल थिला सीटा के सी पाणीग्राही कहते कि द ओरिजिन ऑफ दिस डायनास्टी ऑन द बेसिस ऑफ पशुपति टेम्पल इंस्क्रिप्शन नेपाल। नेपाल जो पशुपति टेम्पल थिला से पशुपति जो टेम्पल इंस्क्रिप्शन आपने जापर जो राज्यमती क्वीन ऑफ द नेपाली किंग जयदेव वाज डॉटर ऑफ हर्षवर्मन कॉल्ड भागदत्त कनकोड गौद ओड्र कलिंग एंड कोसल। डॉटर थी हर्षवर्मन को जो तापर से मैरेज करता आम कह भागदत्त को मैरेज कर तो सी कौन करते गौड़ ओड्र कलिंग कोसल को सी कौन करदे कनकोड करदे सीटू कनकोड कला रूल करते आपण मैंने जानपर थे केसी पाणीग्राही पुणी कहले कि कनक्लूड कले जे दैट भौम ऑफ ओडिशा एंड हर्षवर्मन बिलंग टू आसाम आसाम आसर रही क्या सहित भागवत सहित रिलेसन रही लिंगुस्टिक सिमिलारिटी बिटवीन द आसामीज एंड ओडिया लांगुएज पसबिलिटी इंटराक्शन ऑफ टू रीजन्स। देखो आसाम जो लांगुएज था आसामीज कह जाए से लांगुएज टी ओडिया लांगुएज और बेंगली लांगुएज मिश्रण में अच्छी आपन के आसाम जीवे तो सी कथा जापरेंगे कि इंटरनेट मध्यम से लांगुएज को आज शुणीपारे तो निश्चित भाव में या भितर कौन रही है गोटे सिमिलारिटी देखा मिले बेंगली और ओडिया आपड़ जापरेंगे ओडिया कि रही। अकॉर्डिंग टू केसी पाणीग्राही भौम एरा स्टार्टेड 736 AD से गोटे 736 AD को गोटे फिक्स कले कि यहाँ गोटे कौन भौम एरा कहगला
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ହେଲେ ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ରୁଲର ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଭୌମ କରେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ୟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡିଂ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ନା ନେଉଳପୁର ଚାର୍ଟରରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା'ର ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୋଲି। ୱିଦାଉଟ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିପାରିବାନି କି ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଆମେ ଆଣିବା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବାର ଅଛି, ତା'ର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ସେ ଯେ କହିଲା ନେଉଳପୁର ଚାର୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି, ହି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଫୋର୍ ଫୋଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଏଇଟା ସୋର୍ସ କହୁଛି। ସେ କ'ଣ କାହାର ନେଉଳପୁର ଚାର୍ଟର ଯିଏ କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ, ଶୁଭକର ଦେବ ଟୁ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯିଏ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି କରିଥିଲେ, ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି ଇନ୍ ସୋସାଇଟି, ସୋସାଇଟିର ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭୌମଗଡ଼ ଡାଇନେଷ୍ଟିର କେଉଁ ରୁଲର ବ୍ଲଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ପଲିସି ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୃତ ରୁଲର ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ଆଟାକ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ଓଡ୍ର ଆଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ। ଓଡ୍ର ଉତ୍କଳରେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ, ସେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେ ଅଲଗା କଳିଙ୍ଗ ଏରିଆ, ଅଲଗା ଏରିଆ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର, ତାକୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିଦେଲେ କିଏ, ଦାନ୍ତି ଦୁର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିପାରିଲେନି ଓଡ୍ର ଉତ୍କଳକୁ, କାହିଁକି ନା କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେଠି ରୁଲର ଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ତାଙ୍କ ହିରୋଇଜମ୍, ସେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ। 736ରୁ 783 ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶିବକର ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଉନ୍ମତ କେଶରୀ ବା ଉନ୍ମତ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣୁଛେ କି ତାଲଚେର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶିବକର ଦେବ ଥ୍ରୀରୁ ଜାଣୁଛେ, କମ୍ପେୟାର୍ ସିମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପୋରସ୍ ହୁ ଫଟ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଶିବକର ଦେବ ୱାନ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୋରସ୍, ନହେଲେ ଏମିତି ପଚାରି ଦେଇପାରେ କି ପୋରସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବମକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଶିବକର ଦେବ। ହି ଡିଫିଟେଡ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ରାଧା ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଆୱେ ହିଜ୍ ଡଟର। ରୁଲର ଅଫ୍ ରାଧା ମାନେ କ'ଣ, ବେଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରାଧା ବୋଲି ରିଜନ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଡଟର୍କୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଜୟା ବଲ୍ଲ ଦେବୀ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟା ବଲ୍ଲ ଦେବୀ ମେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି କାର, ରାଧା ରୁଲର ଝିଅ, ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶିବକର ଦେବ ଟୁ। 84 କପର ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ, ଜୟା ବଲ୍ଲ ଦେବୀ କାର, ଶିବକର ଦେବ ୱାନ୍ଙ୍କର। ତାଲଚେର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶିବକର ଦେବ ଥ୍ରୀ, ଭୌମ ଆର୍ମି କନ୍କର୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ରିଭର ବଂଶଧରା ଟୁ ଗୋଦାବରୀ ଡିଫିଟିଂ ଦ ଗଙ୍ଗ ପାୱାର। ଗଙ୍ଗ ପାୱାରକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ଶିବକର ଦେବ ୱାନ୍ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି, ତାଲଚେର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଶିବକର ଦେବ ଥ୍ରୀ କହୁଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଆସିଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ, ତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ପରମ ଭତରକ ମହାରାଜାଦି ରାଜ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଥିଲା ଟାଇଟଲ୍ କିଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ପଚାରିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ଅଲଗା ସୋମବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପରମ ଭତରକ ମହାରାଜାଦି ରାଜ ପରମେଶ୍ୱର ଟାଇଟଲ୍ ମିଳିଥିଲା ଭୌମକରମାନଙ୍କୁ। ମୋନାର୍କିକାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ପଚାରିପାରେ କେଉଁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅଛି ଭୌମ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ମହାସାମନ୍ତ, ମହାରାଜା, ରଣକ, ଆୟୁକ୍ତକ, ଦଣ୍ଡପଶିକା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜପୁତ୍ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିପାରେ କି କାରଣ ପଚାରିଦେବ, ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇକି ପଚାରିଦେବ ଇଏ ଅଫିସର କେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟିର, ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଡଟୋରୀ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ଼ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୌମ ଟାଇମ୍ରେ ସୁଲକିଜ ଭଞ୍ଜଜ ଆଉ ନଦଭବଜ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ। ଭଞ୍ଜଜ ଆଉ ନଦଭବଜ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଫ୍ ବୈଷ୍ଣବିଜିମ, ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ରିଲିଜନ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବିଜିମକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ରିଲିଜନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭୌମକର ରୁଲ, କେଉଁ କେଉଁ ରିଲିଜନ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେମାନେ। କିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଯେଉଁ ଥିଲା ତା'ର କେଉଁ ଫର୍ମ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ, ହିନାୟନ ନା ମହାୟନ, ମହାୟନ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ମହାୟନ ଟୁ ବେଜରାୟନ ଆସିଥିଲା, ହିଲ୍ସ ଅଫ୍ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଣ୍ଡ ଲଲିତଗିରି ନିୟର ଚଣ୍ଡି ଖୋଲ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖରେ, ଆଣ୍ଡ ଇମେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମହାୟନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭୌମ ଅଲ୍ସୋ ପାଟର୍ନାଇଜ୍ ଶୈବଜିମ, ଶୈବଜିମ ମଧ୍ୟ ଭୌମମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶୈବ ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶିଶିରେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ତାଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭୌମମାନଙ୍କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ କହିଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଥିଲେ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ନେଇଥିଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ରିଲିଜନ୍ ଉପରେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ। ତ ଗୁହେଶ୍ୱର ପଟକ ଫେମସ୍ ଶକ୍ତି ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ଯେ ଗୁହେଶ୍ୱର ପଟକ ହେଲା କ'ଣ, ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କଟ୍ୟାୟନୀ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କଟ୍ୟାୟନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଡ଼େସେସ୍ ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଟ୍ୟାୟନୀ।
तारा इमेजेसन रत्नगिरी रत्नगिरी तारा इमेज देखा मिलता शंकरेश्वर टेम्पल जो सालीपुर जो केन्द्रापड़ा बर्तमान अच्छी बुद्धिस्ट इमेजेस आपको देखा मिले आगे गोकामेश्वर टेम्पल इन धर्मशाला देखा मिले बुद्धिस्ट ब्रोंज इमेजेसन बाणपुर आपको देखा मिले तो बर्तमान आसो बहुत इंपोर्टाट सोर्स को जो सिक्स क्वीन ऑफ होमकर अच्छा मोस्ट इंपोर्टाट त्रिभुवन महादेवी जो अच्छा 845-850 से आसी ढेंकानाल कॉपर प्लेट मदर ऑफ शिवकर देव 3 विडो क्वीन ऑफ द शांतिकर देव 1 माँ कार थे से शिवकर देव 3 कर विडो थे शांतिकर देव 1 कर हुडुड आलाम त्रिभुवन महादेवी नोन आज रईना हुडुड आलाम जो सोर्सेस आम अच्छी से त्रिभुवन महादेवी को रईना बोली कही देन आम ढेंकानाल कॉपर प्लेट जो अच्छे सी कह कि जो आम त्रिभुवन महादेवी थे से परम वैष्णव टाइटल नहीं थे सी वाज ग्रेट क्लीन आडमिनिस्ट्रेटर मुझे गोटे बहुत भल आडमिनिस्ट्रेटर से समस्त फ्यूटरी मानक निज अंडर रखुते केमी मैनेजमेंट हे आरेजमेंट हेपर से ध्यान देते तापर जब देखा पृथ्वी महादेवी जो अच्छा पृथ्वी महादेवी बौद्ध चार्टर रू से ये कर बौद्ध चार्टर तर सोर्स सब मिली सी वाज द डॉटर ऑफ जन्मेजय वन रूलर ऑफ सोमवंशी से जन्मेजय वन जो थे रूलर ऑफ सोमवंशी झील थे सी सक्सीडेड शुभकरदेव 4 शुभकरदेव को सी मैरेज करते स्टार्टिंग डिक्लाइन ऑफ होम वर्तमान ठार् भौम मान डिक्लाइनटा यांकर पीरियड स्टार्ट होता बंधुगण क्वेश्चन पचारि पारे आपण मानक पृथ्वी महादेवी जो अच्छा सी कहार डॉटर थे आ टाइम रे भौम मानक डिक्लाइन स्टार्ट होता सेटा आरंभ होता पृथ्वी महादेवी टाइम रे स्टूडेंट फ्रेंड्स तापर आम देखा कि त्रिभुवन महादेवी जो अच्छे 896 रु त्रिभुवन महादेवी 3 जी अच्छा 896 905 पर्यंत रूल करते सी टाइटल नहीं थे कौन परम भतरक महाराजादी राज परमेश्वर टाइटल नहीं थे यू हाव टू रिमेम्बर बिकज यहाँ पचारि पारे से सी वाज वैष्णव बाय फेथ से वैष्णव बाय फेथ बिलीव करते देन आसती गौरी महादेवी क्वीन ऑफ शुभकरदेव 4 कुमारंग प्लेट ऑफ दांडी महादेवी रूर विषय जानवाक मिलूँ दांडी महादेवी जी थे कौन थे डॉटर ऑफ द गौरी महादेवी गौरी महादेवी झील थे सी सिकोड बॉर्डर ऑफ होमो डायनेस्टी फ्रॉम द हॉस्टाइल किंग्स सी बहुत लड़ी थे वारफेयर रे सी निजक सिक्योर कर रखी निजर जो लीडर्स मैंने अच्छा निजर जो प्रजा मैंने से सिक्योर कर रखी थे तापर आम देखा बकुल महादेवी स्टेप मदर ऑफ दांडी महादेवी दांडी महादेवी जो स्टेप मदर थी मैं सावत माँ जहाँ आम कह बिलंग टू भंज फैमिली से बिलंग करते फ्यूटरी गोटे भंज थी आपची सुल्की फ्यू आउ भंज एम सब कह फ्यूटरी ऑफ होम डोनेटेड टू उत्तर तोषाड़ी से उत्तर तोषाड़ी को दान कर देते जन ब्राह्मण को धर्म महादेवी जो अच्छा लास्ट रूलर ऑफ होम यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो किए लास्ट रूलर ऑफ होम थे धर्म महादेवी वाइफ ऑफ शांतिकरदेव 3 र नोन फ्रॉम तलताई चार्टर आम जानवाक पाचे सी वाज भंज प्रिंसेस किल्ड बाय जजाति 1 एंड जन्मेजय 1 स्टार्टेड सोमवंशी सी मारी देते किए जजाति 1 आ जन्मेजय 1 तापर कौन करते आरंभ करते गोटे सोमवंशी बंधुगण तापर आम देखा कि सोसाइटी एंड इकोनोमी ऑफ होमकर केमी अच्छी 4 फोल्ड कैश सिस्टम थी सोसाइटी रे कलेक्टर मॉडरेट टैक्स बेसिक टैक्स से कलेक्शन करूनते लैंड कंसेशन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो थी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तादरु तांकु लैंड देउथले जे मंदिर तुम तैयारी कर बुद्धिस्ट इमेजेस तैयारी कर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तुम तैयारी कर एग्रीकल्चर वाज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर से समय चली इकोनोमीटा एग्रीकल्चर पर बेस्ट था बिजनेस बिजनेस रिलेशन क्या सहित सिलन मैंने श्रीलंका सहित था चाइना सहित था साउथ ईस्ट एशिया था जदि आपको वीडियो भल लगी निश्चित भाव में सेयार करूँ लाइक करूँ और आगामी वीडियो या सब्सक्राइब करूँ आग आगु को आम स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी ओडिशा हिस्ट्री रही सब नहींक आसो केमी लगेगा वीडियो निश्चित भाव में आप आसिक कमेंट बक्स में कमेंट करेंगे और आम आंबेडकर शिक्षा व्हाट्सएप चैनल अच्छी आपन से जॉइन करेंगे धन्यवाद।